आधा घर और भाई घर आते देखो क्या दिखा ट्रक ही पलट गया भाई। तो एक लड़की मेरे से बोल दे क्या बनके तुम्हारे ठाकुर को जानते हो खुद से ही खफा खफा क्या चाहिए। तो गाइस अभी स्कूल से जस्ट पहुंचा ट्यूशन और भाई उसके बाद अब जाएंगे अभी बंद पड़ा हुआ यार ट्यूशन तो और भाई उसके बाद अब चलते हैं घर और भाई आज पेंट पुंट का काम चल रहा होगा तो अभी पहले यार। तो भाई जब ही गए थे हम दुकान और भाई दिखाइयो तीन भाई तीन पेन मिले 10 रुपए के भाई साहब भाई एक चीज और भाई जस्ट ट्यूशन से आया था घर और भाई घर आते देखो क्या दिखा ट्रक ही पलट गया भाई पता नहीं गुस्से का आया थी। हाँ तो भाई जस्ट अभी पहुंचा ट्यूशन से घर। प्राइसिंग कितना करा आज पेंट हां आज देख ले जाके पर भाई मोहित भी आ रखे कुछ साल है ऊपर से इतने सारे कर दिए यार पेल लेंगे मुझे लग रहा। तो भाई यार अभी अभी आया ट्यूशन से घर और भाई ये देखो भाई कब होने लग गया शुरू काम। अबे ये बंदे हम ये सारे बारी लगवा तो उससे मजा भी आता है साउंड में आती है और ना पड़ेंगे ना बारी देख क्या करे राजा बन रखा है बैगा बन रखा है कितना रखा है हल्का छोड़ना यूं खसका दो बस। तो भाई रोहित मैं भी बहुत दिनों से कह रहे थे जरा फोटो से एडिट करने के लिए नहीं था जरा रील बनाने के लिए और अब हम मैं जा रहा मम्मी को लेने चाबी तो खैर मेरी मेरे पास ही है चलो मम्मी को लेने। आया अभी आया भाई जस्ट कुछ तो भाई इस वाले कमरे में हुआ आज तो खाली पेंट बस लग रहा है कुछ अच्छा सा लग रहा पेंट तो वैसे पर क्या बोलता है अभी एक ही कोट हो रखा सिंगल कोट तो इतना मजा ऐसा नहीं आ रहा लग ही रहा होगा सिंगल कोट ही हो रखा। बादल वैसा हो रहा बिल्कुल बारिश का मौसम भाई और तकड़ी बारिश आएगी ना बढ़िया वाली बारिश आने वाली है बहुत तकड़ी बारिश तो ना आएगा गाइस अभी कल परसों तो वहां सतलज नदी में बादल फट गया था पूरी तेज पानी आ रहा था और शमशान घाट पूरी तोड़ी हुई है। अच्छा तो भाई पूरा सामान अभी बाहर रखा हुआ और भाई अब इस पर तिरपाल तुरबुल या कुछ अब जुगाड़ करना ही पड़ेगा यहाँ के लिए। क्या बता रहा था स्कूल में क्या हुआ 15 अगस्त को? 15 अगस्त को क्या आया जैसे ही ग्राउंड है वैसे ही स्कूल में ग्राउंड है तो अच्छा ऐसे ही मतलब रेत रुत भी डल रखा वहाँ के स्कूल के ग्राउंड में। हाँ डल रखा पीछे को डल रखा क्योंकि टॉयलेट बन रहे ना इसलिए इस चट्टे चट्टे तो बेंच लगाए थे सारे में तो सारे बैठ गए थे बच्चे लड़की लड़का बैठ सकते थे पीछे सबसे लास्ट में। तो एक लड़की मेरे से बोल रही क्या बंकी तुम्हारे ठाकुर को जानते हो मैंने कहा हाँ भाई जानता हूँ। अच्छा, अंदर आके बताओ। पाओ का लड़का है ना वो मैंने कहा हाँ फिर बोल रही की देख फिर अपने दोस्त को बोल रही देखा यही है वो जो उसका क्या बोलता भाई है उसका ऐसे बोल रही थी सिस्टम एलवीएस हर चीज है पेंट कराना भी। तो भाई टुक टुक और बाबू बाहर बैठे हैं भाई क्या कर रहा बाबू तू माला बना रहा है टुक टुक इसे देख रहा दोनों बैठ रहे नहीं है। अच्छा तो भाई यार पेंट का काम काम में इतना काम हो गया भाई क्या बताऊं बस ये देखो अभी भी ताई जी लगी हुई भाई मंदिर मंदिर बाहर का सामान अंदर लाए ताई जी शायद है ये मंदिर तो जला दिया है
किया तो जलाना पड़ेगा ना, थोड़ा साफ कर लू। बस पेंट का ही नाम नाम भूल गया है ना, तो देख लो भाई सारा सामान इधर उधर ऐसा लग रहा है अभी शिफ्ट कर। बोल मारी मेरी ऐसी पड़ी हुई सब। और भाई पेंट देखो कैसे पड़े हुए, पेंट भी अलग ही है भाई, अलग ही स्वैग में। और भाई अंकित भाई के कमरे में तो अभी कुछ शुरू नहीं हुआ और टाइम हो गया भाई तुम्हारा 6:30 हो गया भाई। और अंकित भाई अभी तो मौसम अभी तो गरज रहा था पूरा, अब कुछ हो ही नहीं रहा मौसम में। बाबू और नानू काम करा रहे ताऊ जी के साथ। भाई तू माला मूला क्यों बना रहा? ये पाउडर टंगाने के लिए, शादी के लिए। किसके लिए? शादी के लिए। किसकी शादी? दीदी। दीदी की शादी है? कब है भाई? दीदी मुझे लग रहा दीदी ना ब्लॉग में नहीं आती, और मुझे लग रहा कि भाई दीदी अब शादी के, हाँ शर्माती भी अपने, मुझे लग रहा दीदी शादी के टाइम ही आएगी डायरेक्ट अब ब्लॉग के अंदर। नानू का भी पूरा मजा आ रहा भाई, कह रहा दीदी के साथ ब्लॉग बनाऊंगा। कैमरा तुझे पकड़ना नहीं आता, ब्लॉग बनाएगा तुम्हें भाई। ताऊ जी ने नहीं खिंचवा दी फोटो, बोला कि भाई डीपी के लिए आप पासपोर्ट साइज फोटो से खिंचवा ली, अब डीपी लगाएंगे अब ताऊ जी। और ताऊ जी अच्छा भाई हमने खोल दी ताऊ जी की फेसबुक आईडी, ताऊ जी बोल रहे हैं इन्हें फेसबुक पे फॉलो करें आपको। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ भाई। ताऊ जी की फेसबुक आईडी खोल दी हमने, और ताऊ जी अभी वो देख रहे क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट वगैरह किस किस की रखी, और नानू बता रहा किस किस की आ रखी रिक्वेस्ट। हाँ ये कर लो पहले, नानू बता रहा फॉलो कर रखा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रखी बेशरम भाई। मैं दीदी को कह रहा था, मैं कहा दीदी यार मोमो वगैरह बना दो, मैं कहा ब्लॉग भी बना लेंगे साथ में, तो दीदी ने बनाया भाई। दीदी का मतलब कुछ कर लो भाई, दीदी एकदम उठ के भाग जाती है जैसे ब्लॉग, मतलब कैमरा कुमरा खोल। और भाई है ताई अब तो मुझे लग रहा है दीदी डायरेक्ट शादी में, डायरेक्ट शादी में हल्दी मेहंदी सब आपको ही दिखाएंगे क्या हो रहा क्या नहीं। बस थोड़े दिन ही रह गए, अब दिन ही समझो यार, क्योंकि जिसके घर में शादी होती है ना उसे पता चलता है कितने कम दिन रह रहे है ना ताई जी। 2 महीने भी ऐसे लग रहे हैं अब कैसे निकल जाएंगे चुटकी में से। तो गाइस यार ब्लॉग को करते हैं खत्म, क्योंकि अंकित भैया तो आए नहीं, बज रहे 7:30, अब थोड़ी देर में कर दूंगा ब्लॉग को पब्लिक। और दिस इज देव ठाकुर एंड यू वाचिंग अंकित मन ठाकुर। तो भाई लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि भाई 10,000 होने वाले हैं। तो मैं पिछले ब्लॉग में बोला भाई कर दो यार, क्योंकि 10,000 करा दो केक काटेंगे फिर केक का ब्लॉग बनाएंगे। 7:30 और भाई बनने वाले हैं, मतलब 8 बजे तक ब्लॉग पब्लिक कर दूंगा। और भाई तब तक यार बने रहो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। ओए बाबू यार चुप हो जा 2 मिनट, हाँ 10 बार ही सूट करना पड़ेगा फिर।